अब मेरे पास यहाँ पे एक डेटा है और मुझे इस डेटा पे समरी निकली हुई है, बट कुछ कंफ्यूजन है। जैसे कि मान लीजिए कि मनी ने नोएडा में 2447 का सेल किया हुआ है। अब यहाँ मुझे देखना है कि कौन कौन से सेल है। तो जनरली लोग डेटा में जाते हैं और फिर फिल्टर करते हैं। आपको अगर पिवट टेबल लगा रखा है तो डेटा में जाके फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करते ही एक नई शीट में मनी की नोएडा की डेटा फिल्टर होके कॉपी हो जाएगा और फिर आप देख सकते हैं। तो इसका यूज आप डेटा स्ट्रैक करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक डेटा है और उस डेटा को 20 लोगों को मेल करना है और 20 लोगों का अलग अलग कंडीशंस हैं, अलग अलग फिल्टर्स हैं, तो वहां पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम भी होती है इसमें। बहुत सारे लोगों की आदत होती है डबल क्लिक करने का। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग रिपोर्ट को देखते हैं, कुछ सोचते समय जो है डबल क्लिक करते हैं। अब ऐसे लोग यहाँ वो डबल क्लिक करेंगे तो बार बार सीट जनरेट होगी। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि पिवट टेबल राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शंस के अंदर हमारे पास होता है डेटा। डेटा में यहाँ पे अनेबल शो डिटेल्स जो आपको दिख रहा है, इस अनेबल शो डिटेल्स को मैं यहाँ से हटा दूंगा एंड फिर ओके। अब मैं डबल क्लिक करूंगा तो मेरा डेटा नहीं आएगा।